नमस्कार, स्वागत है आपका CTD न्यूज़ में। इंडियन आर्मी दुनिया के सबसे प्रोफेशनल फोर्स, वो सेना जिसके पास ऐसी क्षमताएं हैं जो अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों के पास भी नहीं हैं। भारतीय सेना को इसके सैनिक और खास बनाते हैं। कुछ ऑफिसर्स और जवान तो ऐसे हैं जिनकी तारीफ खुद दुश्मन भी करने पर मजबूर हो जाते हैं। इन्हीं ऑफिसर्स में से एक थे लेफ्टिनेंट जनरल हेनाथ सिंह, जिन्होंने सन 1971 में पाकिस्तान के साथ हुई जंग में दुश्मनों को धूल चटा दी थी। लेफ्टिनेंट जनरल हनौत ने इस तरह से जवानों को लीड किया कि पाकिस्तान भी हैरान रह गया था। जनरल को सेना का एक लीजेंडरी ऑफिसर माना जाता है। साल 2015 में उनका निधन हुआ था, लेकिन आज भी उनका जिक्र ना हो ऐसा नहीं होता। लेफ्टिनेंट जनरल हनौत को हॉन्टी और गुरुदेव के तौर पर जाना जाता था। 71 की जंग में वो सेना के रेजिमेंट पूना हॉर्स को लीड कर रहे थे। लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल इसी पूना हॉर्स के ऑफिसर थे और उन्हें वसंतर का हीरो कहा जाता था। कई सीनियर आर्मी ऑफिसर मानते हैं कि आज भी लेफ्टिनेंट जनरल हनौत से कई मिलिट्री लीडर्स बहुत कुछ सीख सकते हैं। इस युद्ध में लेफ्टिनेंट जनरल हनौत सेना की 47 इन्फेंट्री ब्रिगेड को कमांड कर रहे थे। 1971 में पाकिस्तान के साथ जो जंग हुई वो बसंतर की लड़ाई के जिक्र के बिना अधूरी है। बसंतर जम्मू कश्मीर के शंकरगढ़ में आता है। बसंतर की लड़ाई में लेफ्टिनेंट जनरल हनौत की अगुवाई में ही इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के 13 लेंसर्स पैटन टैंक्स पर हमला बोला था। पाकिस्तान के टैंक्स ने जयपाल में भारत की पोस्ट पर हमला बोला था। पाकिस्तान ये देखकर हैरान रह गया था कि पूना हॉर्स के लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल जैसे ऑफिसर्स ने उनकी हालात पस्त कर दिए थे। लेफ्टिनेंट खेत्रपाल को परमवीर चक्र मिला तो लेफ्टिनेंट जनरल हनौत सिंह को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। लेफ्टिनेंट जनरल हनौत को सेना के आर्मर्ड कोर का एक बेहतरीन टैंक कमांडर माना जाता है। लेफ्टिनेंट जनरल हनौत का जन्म राजस्थान के बाड़मेर में हुआ था। उनके पिता भी आर्मी ऑफिसर थे और उनका नाम कर्नल अर्जुन सिंह था। हनौत सन 1952 में आर्मी में कमीशन्ड हुए थे। 16 दिसंबर 1971 को उनकी यूनिट ने नदी का सफलतापूर्वक पार करके मोर्चा संभाला था। पाकिस्तान की तरफ से लगातार हमले हो रहे थे और लेफ्टिनेंट जनरल हनौत ने अमदम्य साहस का परिचय दिया। हनौत अपने ऑफिसर्स और जवानों को प्रोत्साहित कर रहे थे। इस जंग में उनकी यूनिट ने दुश्मन के 48 टैंक को ख़त्म कर दिया था। इस जंग के बाद लेफ्टिनेंट जनरल हनौत को बसंतर की लड़ाई का हीरो जैसे टाइटल से नवाजा गया। यहाँ तक कि पाकिस्तान की तरफ से भी उन्हें फ़ख्रे हिंद जैसा सम्मान दिया गया। देश दुनिया से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें CTD न्यूज़। साथ ही लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।